नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। वी आर हेयर फॉर द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, और आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल फॉर टीचिंग ज्योग्राफी टू चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट। टू माई लेफ्ट इज मिसेस कनक लाल। शी इज रिटायर्ड लेक्चरर from Blind Relief Association, and to my extreme left is Mrs. Pupali Agarwal. She is lecturer at Durgabai Deshmukh College of Special Education, Delhi University. ये दोनों expert हमें आज के topic के बारे में information देंगे। मैं अपने viewers को बोलना चाहूंगी, उनके इस regard में जो भी questions हैं, queries हैं, या अपने views share करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे toll free number पे call कर सकते हैं। हमारा toll free number है 1800-11-2008-265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 2651-11-609। तो आइए हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। वेलकम मैम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इट्स रिगार्डिंग फॉर द चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और बेसिकली हम ये बात करेंगे कि हम उनको ज्योग्राफी, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, कि हम उनको कैसे सिखा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट में दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, वो नहीं देख पाते हैं, तो हम बाकी उनकी सेंसेस को यूज करके, बाकी उनकी ज्ञानेन्द्रियों को यूज करके उनको हम उनकी स्ट्रेंथ को एम्पावर करते हैं, उनको एनहांस करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम किस तरीके से विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को ज्योग्राफी सिखा सकते हैं। जहाँ तक ज्योग्राफी सिखाने का सवाल है, उसके लिए तो करिकुलम तैयार रहता है बच्चों के लिए, और वो किताबें उपलब्ध होती हैं। कि सवाल ये उठता है कि उसमें जो दिए हुए कॉन्सेप्ट रहेंगे, उसमें जो दी हुई जानकारियां हैं, उसको हम बच्चों तक किस तरह से पहुँचाएं। जी, हमारे ब्लाइंड बच्चे सुन करके या उसको ब्रेल में रीड करके बहुत सारी चीजों को समझ लेते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको कि उनको जो उनकी स्पर्शीय इंद्री है या श्रवण इंद्री है, उसके सहयोग से उनको देख करके समझना पड़ता है। इसमें बेसिकली जो जो TLMs हैंगे, जो कि लर्निंग टीचिंग मटीरियल हैगा, उस मटीरियल को बच्चों तक कैसे पहुँचाया जाए, ये हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी, पुस्तकें तो ब्रेल में उपलब्ध है, मगर लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स जो है वो उनके लिए बने हुए नहीं है। कोई ऐसी अभी संस्थान नहीं है जो बना करके उनको दे रहा है, तो टीचर्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये TLM मटेरियल उनके लिए तैयार करें। जैसे कि आपने बताया TLM मटेरियल, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बेसिकली व्हाट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल? टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो मटेरियल्स हैं जिनके की सहयोग से हम बच्चों को जो क्लासरूम में सब्जेक्ट से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स देना चाहते हैंगे, वो अधिक क्लियर हो जाए। बेसिकली यही जरूरत है। फिर तो वो बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ाते हैं, बच्चे ध्यान भी उधर लगाते हैंगे, बच्चे फ्री भी होते हैं डिस्कशन करने के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं। मगर बेसिकली इस समय हम लोगों का फोकस जो है वो होना चाहिए कि TLM मटेरियल जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको हम कैसे तैयार करें और कैसे हम उनको दें। इसी जिले में एक बात आ जाते हैं कि जैसे हम आम बच्चों के लिए, रेगुलर बच्चों के लिए हम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं वो ज़्यादा विजुअल होते हैं, है ना? तो इसमें हम लोग जो अभी आप लोगों को दिखाएंगे भी, ज्योग्राफी टीचिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो सभी है मेनली टैक्टाइल बेस, मतलब आपको स्पर्श इंद्रिय के साथ इस टीचिंग लर्निंग एड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं स्लाइड में कि कितने टाइप्स के टीचिंग लर्निंग मटेरियल ज्योग्राफी के लिए जरूरी है। टाइप्स ऑफ टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TLM कहते हैं, फॉर ज्योग्राफी टीचिंग: टैक्टाइल एटलास, टैक्टाइल मैप्स, टैक्टाइल ग्लोब्स, टैक्टाइल डायग्राम्स, ग्राफ्स, टैक्टाइल इलास्ट्रेशंस। इसके अंदर दो चीज आते हैं, एक है मॉडल्स, जो आप इंक्लूसिव क्लासरूम में भी सबके साथ यूज हो सकते हैं, एंड टैक्टाइल चार्ट्स। बेसिकली जो ये सारे मटेरियल बताए गए हैंगे, वो सब हमें क्लासरूम में
जो देखने वाले बच्चे हैं जो जिनके साथ इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ रहे हैं उन सबके साथ ही इनका इस्तेमाल उनको करना होता है और उनके लिए बनाए जाते हैं वो स्पेशली फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड और मगर वो बच्चे वैसे ही देखने समझने की उसको कोशिश करते हैं जैसे कि एक देखने वाला बच्चा करता है। मतलब कहें कि ये जो टेक्टाइल मटेरियल हम यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए वो बेसिकली हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिसे बच्चा देख नहीं सकता पर हमें उसको सिखाना है जो कॉन्सेप्ट हम उसको बाय टच उसको सिखा रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम उसको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैंगी। ये जो मटेरियल हैगा ये हम उन बच्चों को इसलिए देते हैंगे क्योंकि क्लासरूम में जो विजुअल चीजें बनी हुई हैं किताबों में या क्लासरूम में डिस्प्लेड है वो सब ये बच्चे नहीं देख पाते हैं तो इनके लिए हमको स्पेशली अलग से तैयार करना पड़ता है जी। इसमें सबसे पहले इनका आ जाता हैगा एटलस आता हैगा। एटलस अभी भी हमारे कंट्री में कहीं भी नहीं ठीक से बने हुए हैं। एक आध कोशिशें हुई हैं मगर नहीं तैयार है तो एटलस पर हम लोग इतना एम्फसाइज ना करके हम लोग जो मैप्स हैं जी उन पर हम ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि उनको हम टेक्चुअली बना दें बच्चों के लिए जो भी उनको बुक्स में मिलते हैंगे। और ज्योग्राफी टीचिंग के बाद जब भी आते हैं चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या आप साइटेड जिनके भी बात करते हैं मैप्स के बगैर शायद मैडम हम ज्योग्राफी टीचर टीचिंग मतलब सोच ही नहीं सकते हैं। मैप्स इज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी और ये तो आम आदमी की भी जरूरत है कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो विदाउट इट्स नॉलेज उसकी जानकारी के बिना हम नहीं जा सकते तो वो भी एक ज्योग्राफी का एक पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टेक्टाइल ग्लोब्स को लेकर के है ना। टेक्टाइल ग्लोब अगर हम आगे रख दें यहाँ पर तो आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल एक सिंपल ग्लोब है जो कि बच्चों को स्कूलों में देखने को मिलता है। इसी को हमने थोड़ा सा उभारने की कोशिश करी है जिससे कि वो टेक्चुअल बन जाए और बच्चे उसको देख लें। अब ये ग्लोब जो है इसमें हमने सब कुछ नहीं दिखाया है इसमें हमने सिर्फ अक्षांश और प्रमुख देशांतर दिखाई हुई है क्योंकि टच की अपनी लिमिटेशंस होती हैं उससे बच्चा देख नहीं सकता है उससे सब चीज नहीं देख सकता। इस ग्लोब पर हमने सिर्फ अक्षांश देशांतर रेखाओं को दिखाया हुआ है वो भी बड़ी प्रमुख जो हैंगी। इसमें आपकी इक्वेटर हैगी विषुवत रेखा है कर्क रेखा है मकर रेखा हैगी टाइम के लिए देशांतर रेखा ली हुई है जो 0 डिग्री हैगी और ऊपर ध्रुवों के पास जो रेखाएं हैं 66 डिग्री वाली वो दिखाई हुई। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल है जो हम दिखाना चाह रहे हैं इस समय सबसे पहले और बच्चे जो है इनको आराम से देखने वाले बच्चे भी देख रहे हैं ब्लाइंड बच्चे भी देख रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी कुछ नहीं है। उसको चेंज करके ये टीचर के लिए भी कोई बहुत मतलब कठिन काम नहीं है और ज्यादा इसमें हम मटेरियल इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे कहीं बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। टच की लिमिटेशंस होती है हर चीजें हम टच के द्वारा बच्चों को नहीं दिखा सकते तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चीज है बच्चा देखने वाले बच्चे भी देख रहे हैं वो भी बच्चे देख रहे हैं और सब इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हैं। इसी को अगर हम और थोड़ा सा फर्क कर दें तो हम अक्षांश देशांतर हटा करके महाद्वीपों को उभार करके दिखा सकते हैं मतलब डिफरेंट लोकेशंस को हम महाद्वीप महासागर इनको हम ये डिपेंड करते हैं कि क्या आप पढ़ा रहे हो आपके पाठ के ऊपर निर्भरित है। तो ये एटलस की बात सबसे ज्यादा पहले हो जाती है ग्लोब की ग्लोब की बात हो जाती है एटलस हम बना नहीं सकते हैंगे और को भी ले लें मैप पर आ जाइए बिल्कुल सही बात है। जो मैप्स हैं वो भूगोल शिक्षण के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं उसके बिना एकदम अगर हम सोचे कि हम बच्चों के पास हम कॉन्सेप्ट्स दे जाएंगे ऐसा नहीं है तो मैप टीचिंग जो हम करवाते हैं वो मैप टीचिंग एक स्किल है जो हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैंगे और उस स्किल में हम सबसे पहले उनको जो एरियल प्रोस्पेक्टिव हैगा सारे वर्ल्ड का वो हम देने की कोशिश करते हैंगे। फिर हम उसपे डायरेक्शंस जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बेसिकली ये और उसके अलावा चार और वो दिखाते हैंगे। फिर डिस्टेंस भी हम बताने की कोशिश करते हैं मैप के ऊपर लोकेशन बताते हैं कि कहाँ पर वो
मैप जगह हैगी, फिर हम उसमें स्केल दिखाते हैं कि कितना पृथ्वी को लेकर कितना छोटा या किया गया हैगा, और फिर ये सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो है उसको हम कॉन्क्रीट फॉर्म में देने की कोशिश करते हैं। एक बार स्लाइड्स में देख लेते हैं। अब इसको स्लाइड्स पर आप दिखा दीजिए। ये इम्पोर्टेंस की तरह दिया हुआ है इसमें, मगर ये एक्चुअली बेसिक स्किल्स हैं जो हम बच्चों में डेवलप कर देते हैं मैप के इस्तेमाल से। ये स्लाइड में है इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स इन टीचिंग ज्योग्राफी, बेसिकली द स्किल्स व्हिच वी आर डेवलपिंग टू गिव एन एरियल पर्सपेक्टिव, टू डिटरमाइन डिफरेंट डायरेक्शंस, टू कंप्यूट डिस्टेंस, टू लोकेट प्लेसेस, टू इंट्रोड्यूस विद द स्केल्स, to transform an abstract idea into a concrete concept. जैसे कि यहाँ पे हमने मैम बात करी कि आपने बताया कि बेसिक स्किल्स को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों में, ये मैप्स जो भी सीखता है, चाहे देखने वाले बच्चे सीखते हैं चाहे विजुअल इम्पेयर बच्चे सीखते हैं, ये स्किल्स है जो हम उसमें डेवलप करते हैं बच्चों में कि वो देख ले मैप के जी। इसमें एक पॉइंट है डिस्टेंस के बारे में। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जैसे साइज एंड डिस्टेंस। अब एक एलिफेंट की बात करें, वी कैन नॉट गिव द एक्चुअल साइज कॉन्सेप्ट ऑफ एन एलिफेंट टू द विजुअल इम्पेयर चाइल्ड। हम बच्चे को उसका एक एक्चुअल साइज के बारे में नहीं बता सकते। अगर ऐसे ही हम एक डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली से बॉम्बे का डिस्टेंस ले, वो एक रियलिटी मतलब एक सॉलिड उस चीज की बात करें तो हम बच्चे को नहीं बता पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं? देखो, जो मैप रीडिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हम बच्चों को एक एक सिस्टम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं जी, और उसमें हम सबसे पहले डिस्टेंस पे नहीं आ जाते हैं, या हम उस पर सबसे पहले उस पर नहीं आ जाते हैं कि हम स्केल बताना शुरू करें, हम सबसे पहले बच्चों को उस पर डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन आप देखिए, ये जो डायरेक्शन का एक चार्ट, पहले देखिए कितना मतलब सिंपल एकदम चारों डायरेक्शन इसमें दिखा रहे हैं, और ये कोई ऐसे आइसक्रीम स्टिक से बने हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रेल लेबलिंग है इसके साथ, तो चारों दिशाएं इसमें क्लियरली दिखा रहे हैं। दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब इसी को आठ दिशा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर दिया गया है, हमने इसको पेन से भी उभार दिया है, पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं, उसी वही चार को आठ में कन्वर्ट करके हमने इसको हमने नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन दे दिया हैगा, साउथ ईस्ट दिया हुआ हैगा, फिर साउथ वेस्ट दिया हुआ है, और फिर नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, तो इस तरह से आठ डायरेक्शन हम बच्चों को मैप पर दिखाते हैं। और हम वैसे सिंपल डायरेक्शंस दिखाने के लिए, एक बात मैं बताऊं, डायरेक्शंस दिखाने के लिए हम सूर्य के उदय को लेते हैं, इधर से उदय हो रहा है, ये सब तो जनरल कराया जाना चाहिए, पर जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, अपर प्राइमरी में आने लगते हैं, तब हम मैप पर उनको ये डायरेक्शंस दिखाते हैं। और ये जो मैडम ने बनाई है ये जो डायरेक्शन के लिए, ये बहुत ही कुछ बड़ी सिंपल चीज है, एकदम एक इसके लिए स्पारविल मैप ले लिया जाता है ना, और एक स्पारविल ले लेते हैं, स्पारविल और एक पेपर ले लेते हैं, और उससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। स्पर्विल ऐसी चीज है कि पहिया नुमा बना हुआ है ना, इसको जब हम रबर मैट के ऊपर इसको प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर लकीर बन जाती है, इसको हमारा बच्चा पलट करके देख तो वो एक उठा हुआ एक ऐसी चीज आ जाती है जो स्पर्शीय हो गई। अब पता नहीं आप छू करके उसको वहाँ दिखा नहीं पाएंगे, मगर वो स्पर्शीय हो जाती है, तो बच्चे कुछ कुछ सिंपल ड्रॉइंग भी कर लेते हैं इसके जरिए, और छू करके देख लेते हैं हमने उसपे क्या किया है। तो हम मतलब अगर हम बेसिकली देखें, बच्चे को पढ़ाने के लिए हम सिंपल मटेरियल यूज कर रहे हैं, बिल्कुल जो हम नॉर्मल अगर जैसे आइसक्रीम स्टिक यूज कर रहे हैं, बच्चे ने आइसक्रीम खाई उसकी स्टिक भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए, हमारे इजिली अवेलेबल मटेरियल जो और लो कॉस्ट मटेरियल है उसको हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं घर में, उसको स्पर्शी बनाने के लिए। मैम, जैसे कि ये आपने बताया कि व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक स्किल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल टीचिंग टैक्टाइल मैप्स, तो हमारे डिफरेंट मैप्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स? नहीं, अभी टाइप्स पर फिर अभी मत आओ तुम लोग, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इनको बताने की है। डायरेक्शन के लिए अभी हमने बेसिक बात आपको बताई है, इसके बाद हमने एक दिल्ली का मैप बनाया है, उसके ऊपर डायरेक्शन दिखाने के लिए एक कॉर्नर में एक छोटा सा वो बना दिया है,
आप इसको देखिए, दिल्ली का मैप है, मगर मैं नहीं जानती आप देख पा रहे। देखिए इसमें उंगली दिखा दीजिए आप, उंगली यहाँ यहाँ इस तरफ को, ये देखिए, ये जो मैडम एरो बनाया हुआ है, ये बना हुआ है एरो, और इस एरो को हमने दिखाने की कोशिश करी है जिससे कि पता चल जाए बच्चे को नॉर्थ डायरेक्शन क्या है। ये तो हमने एरो बना करके दिखा दिया, बहुत छोटे बच्चे होंगे उनको समझ में आना चाहिए, नहीं तो हम ऊपर भी खाली अगर हम उत्तर लिख दें तो बच्चों को अपने आप डायरेक्शन बतानी आ जानी चाहिए कि भाई कहाँ साउथ होगा, कहाँ ईस्ट होगा, कहाँ वेस्ट होगा। और स्कूल एज के ज्यादातर मैप्स में हम डायरेक्शंस नॉर्थ में ऊपर की तरफ ही दिखाते हैं नॉर्थ को, और साउथ नीचे को दिखाते हैं। इसमें और एक बात भी है, जैसे कि अगर हम डायरेक्शन ठीक से मतलब नहीं देते कोने में तो क्या मुश्किल होते हैं बच्चों को पता नहीं लगता है कई समय ना, उल्टा भी अगर आ जाए अकेले इंडिपेंडेंटली जब रीड करेंगे तो एक साइड में डायरेक्शन होगा तो उसे भी पता लगेगा कि हाँ ये सामने मुझे रखना है, पोजीशन इसी से पता लगते हैं। दूसरी चीज इसके लिए जो जरूरी रहती है ना, लोकेशन ऑफ प्लेसेस, ये भी एक बहुत टेक्निकली बच्चों को समझने की बात होती है, क्योंकि ऐसे तो बच्चों ने किताब में ढूंढ लिया कहाँ पर हैगा, मगर उनके लिए हम कुछ लैंडमार्क्स और क्लूज का इस्तेमाल कर देते होंगे और तब उनको लोकेशन पता चलती है कि कहाँ पर है। जैसे हम उनको बताएंगे अगर तुम्हें कन्याकुमारी देखनी है तो तुम बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल साउथ टिप पे चले जाओ, वहां पर कन्याकुमारी है। तो कुछ कुछ ऐसे लैंडमार्क्स जो मैप में बने हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम उनको बताएंगे। कलकत्ता दिखाना है तो जो डेल्टा बना उसमें जो सबसे पहला आपको ऊंचा जाता हुआ दिखाई देगी रिवर, उसके बिल्कुल बेसिन पर हैगा। कुछ ऐसे सॉलिड लैंडमार्क्स दिखा देते हैं, अगर हम सोचे मैं भोपाल दिखा देना बीच में, बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट। फिर हम दिल्ली के संदर्भ में या और राज्यों के संदर्भ में उसको जोड़ते हुए उसको दिखाएंगे, तो लोकेशन करना बच्चों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, तो हम लैंडमार्क्स और क्लूज का इस्तेमाल करते हुए उनको लोकेशंस को बताते हैं। डिस्टेंस बताने के लिए भी जो अक्षांश देशांतर है, देशांतर से अक्षांश से ही हम बना पाते हैं उनके लिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस दिखाने के लिए हमें बच्चों को थोड़ा सा जो स्केल है उसका सहारा लेते हुए बनाना पड़ता है। डिस्टेंस और स्केल दो एक ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, और जब मैप को वो लोग समझने लगते हैं उसकी शेप और उसके जो बेसिक चीजें हैं, फिर हम उनको स्केल और डिस्टेंस के ऊपर ले करते हैं। जी, तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्किल्स को अलग अलग मेथड्स और मटेरियल को यूज करते हुए हम बच्चों के ये सिखाते हैं। मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको सिखाना है, मतलब एक सिक्वेंशियल प्रोसेस हो गया कि फर्स्ट सिक्वेंस देन सेकेंड देन थर्ड, बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। जैसे कि मैम आपने बताया कि बेसिक स्किल्स हैं, और आपने बताया कि उन स्किल्स को हम किस मेथड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल जिनको हम कहते हैं TLM, उनको यूज करते हुए हम बच्चों को लोकेशन विद द यूज ऑफ स्केल्स, डिस्टेंस, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट कैसे दे सकते हैं। अब बात आती है कि मैप्स के बारे में हमने बेसिक स्किल्स सिखा दी, पर डिफरेंट टाइप के मैप्स भी होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मैप्स क्या है? टाइप्स ऑफ मैप्स हम स्लाइड में देख लेते हैं। इसमें है फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, हिस्टोरिकल मैप्स, ट्रांसपोर्टेशन मैप्स, पॉपुलेशन मैप्स। तो हम तीन उसमें भी कर सकते हैं। एक हो गया आपका थेमेटिक मैप्स, एक हो गया रेफरेंस मैप्स, और टोपोग्राफिकल एंड टोपोग्राफिकल मैप्स, इसमें भी हम उनको बात करते हैं। तो मतलब ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन, दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन है, एक थेमेटिक रेफरेंस एंड दैट इज टोपोग्राफिकल मैप, और ये है पांच जो सिंपली डिवीजन है इनका, और जो बच्चों के लिए बुक्स में इजीली अवेलेबल रहेगा। तो इसके लिए जो फिजिकल मैप है उसको कैसे टेक्चुअल बनाया गया है उसको हम लोग लेते हैं। मैडम आप फिजिकल मैप को ले लो, इंडिया का ही ले लो, बस वही सबसे आसान रहेगा। तो फिजिकल मैप के जरिए हम बता सकते हैं बच्चों को कि अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करते हुए हम कैसे बच्चे को उस चीज के बारे में सिखा सकते हैं। बिल्कुल, अब ये मैप जी
ये इंडिया का एक मैप हैगा जो बच्चों की बुक्स में अवेलेबल है. इसके हमने इंडिया के फिजिकल पार्ट्स बना करके दिखाने की कोशिश करी है. नॉर्थ में हिमालय है तो छूकर आप देखेंगे तो उसका टच बिल्कुल डिफरेंट है. फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हैगा, उसमें भी आपको जो मटेरियल है वो टच से बिल्कुल फर्क दिखेगा. फिर आपका प्लेटो हैगा, प्लेटो रीजन, वो फर्क है. फिर आपके जो डेजर्ट रीजन हैगा उसको भी फर्क करके दिखाया हुआ हैगा. तो इस तरह, और जो कोस्टल एरिया का लैंड एरिया हैगा या प्लेन्स हैंगे वो भी उसमें दिखाए हुए हैंगे. प्लस कुछ द्वीप भी दिखाएंगे जो भारत के अधीन आ जाते हैंगे, चाहे लक्षद्वीप हो चाहे अंडमान निकोबार द्वीप हो. तो इस तरीके से विभिन्न तरह के सामग्रियों का स्पर्श करते हुए हम लोगों ने मैप को दिखाने की कोशिश करी है. मतलब एक मैप के जरिए, एक भारत का जो मैप हमने लिया उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हम टेक्टाइल इम्प्रेशंस दे रहे हैं वो अलग होने चाहिए. डेजर्ट के लिए अलग होने चाहिए, माउंटेन्स के अलग होने चाहिए, प्लेन्स के लिए अलग होने चाहिए, ताकि बच्चा डिफ्रेंशिएट कर सके कि एक चीज, एक जो हमारा प्लेस है, एक लोकेशन है, वो एक पर्टिकुलर उसको सिग्निफाई करता है. अब उससे उनको एकदम से मैप पे लोकेशन पता चल जाती है कि कहाँ पर किस तरह का फिजिकल रीजन बना हुआ हैगा. इसी तरह से हम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को भी ले सकते हैंगे. ये थोड़ा और हायर लेवल पर आ जाता हैगा. इसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दिखाने की कोशिश करी हैगी. थोड़ा सा विजुअल्स भी हैंगे, इसको छू करके बच्चे देखेंगे तो इसमें सब टेक्स्ट जो लैंड एरिया है वो फर्क तरीके से दिखाया हुआ है, और जो ओशन एरिया है वो फर्क तरीके से दिखाया हुआ है. तो उनको इस पे लेबलिंग कर दी है कि तो उनकी सूची वो देख करके पढ़ सकते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर रहेंगे. मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम फॉलो करते हैं. ये भी एकदम सिंपल सी. हाँ, ये भी इसमें अक्षांश देशांतर भी दिखाया कॉन्टिनेंट्स के संदर्भ में. अक्षांश दिखाई हुई है जो बेसिक हैंगी आपके इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और कैंसर. तो वो दिखा करके ये दिया हुआ हैगा कि जो वो है लैंड है जो हमारे प्रमुख महाद्वीप है वो इसमें किस तरह से बने. और सब टेक्चुअल हैगा, छू करके देखेंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि लैंड एरिया और वाटर एरिया, वाटर बॉडी बिल्कुल फर्क है. ये जो मैम जैसे आपने मैप बताए जो टेक्टाइल यूज सेंस को यूज करते हुए बच्चे को हम डिफरेंट लोकेशंस और एक्सटेंट्स ऑफ प्लेसेस के बारे में हम बता सकते हैं. अगर फॉर एन इंस्टेंस हम एक केस एज्यूम करते हैं, बच्चे में कुछ सेंसरी प्रॉब्लम है, लाइक हाइपर सेंसिटिव है या हाइपो सेंसिटिव है या कुछ मोटर प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम बच्चे के साथ किस तरह से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे? जब मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चों की बातें आने लगे या कोई और डिसेबिलिटी ले ली जाए उसके साथ में, तब तो इंडिविजुअली आपको हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी इंडिविजुअल जरूरत क्या है, उसको किस तरह से आप उसको बताएंगे. ऐसे अगर लो विजन को भी लेते हैं तो लो विजन में भी इतने फर्क बच्चों के दृष्टि तीक्ष्णता होती है कि उसके हिसाब से कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए हैगा, वो फिर इंडिविजुअली बच्चे को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा. जबकि ये जो मैप्स है, अगर हमारे पास डिसेबल्ड वो हैंगे लो विजन बच्चे, नहीं जो ब्लाइंड बच्चे हैं या जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, तो फिर और पूरा फिर सब प्रोसीजर ही आपको सब कुछ अलग हो जाएगा. कोई भी टीएलएम हम जब भी बनाएंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि बच्चा के नीड के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, क्या उसकी जरूरत है जी, तो अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे. तो ये हम ब्लाइंड बच्चों को ही दिमाग में रखते हुए हमारा नस्ल बने हुए है जो हम बनाए. बिल्कुल. तो ये जितना भी मटेरियल है आपके लिए जो आप दिखाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैप में, नाम से ही बड़ा क्लियर हो रहा है. पॉलिटिकल मैप्स भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल मैप्स भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मैप्स भी हो सकते हैं, और पोल्यूशन पॉपुलेशन मैप्स भी हो सकते हैं. जो इस समय हम सबको डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हमें जो अगला हिस्सा है उस पर आना बहुत जरूरी हो जा रहा है. चलते हैं आगे. अब मैप में क्या होना चाहिए, उसके क्या तत्व है, उनके तत्वों में देख बच्चों के लिए हम देखें तो बहुत सारी जानकारियां साइटेड बच्चों के लिए दी होती है,
उसमें से हमने कुछ जो बेसिक बहुत जरूरी है उनको हम लोगों ने चुन करके उसके एलिमेंट्स बनाए हैं। देखते हैं स्लाइड में। एलिमेंट्स ऑफ मैप, टाइटल ऑफ द मैप, ऑथर और सोर्स ऑफ द मैप, की और सिंबल्स, स्केल, ग्रिड। तो पहले जो एलिमेंट है वो है टाइटल ऑफ द मैप। तो हर एक मैप में मैप की एक टाइटल होना आवश्यक है, मतलब पता ही नहीं चलेगा वो किस चीज का मैप है। जैसे आप हमारे आपके पास अब जैसे ये हमारा डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस किस टॉपिक के बारे में कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जैसे अभी आपने इंडिया का मैप देखा जी, आप इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर टाइटल ही बनाई गई जी, कि सबसे पहले ब्रेल में टाइटल तैयार कर दी गई कि उस टाइटल को देख करके एक बच्चा आइडिया लगा लेता है कि क्या है इस मैप में। फिर सोर्स भी होता है, सोर्स हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, मगर जो किताबों में मैप्स हैं उसमें ज्यादातर सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स होंगे जिनको की इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रोज के उसमें सोर्स की इतनी हमको जरूरत नहीं रहती और बच्चों को पता होना चाहिए मैप्स कहाँ से बन रहे हैं, कब के साल के हैं, ये सब जानकारियाँ, मतलब ऑथेंटिसिटी एक मैप की ना वो भी जरूरी होती है। नेक्स्ट है की और सिम्बल्स जो हम यूज करते हैं, जैसे कलर कोड मैप में होते हैं और कई चीज दिखाने के लिए हम अलग अलग सिंबल्स की कई समय यूज करते हैं, वो होना। देखो देखने वाले बच्चों के लिए तो जैसे ब्लू कलर है ओशन के लिए होगा, ग्रीन एरिया है तो वो प्लेन्स के लिए होगा, ब्राउन कलर है तो पहाड़ों के लिए होगा, वो तो उनके लिए जनरलाइजेशन है, उनके लिए तो बने हुए इस तरह के स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स होंगे। जबकि हमारे बच्चों के लिए कोई अभी तक हमारी कंट्री में स्टैंडर्डाइज सिंबल्स नहीं बने हुए होंगे, तो क्योंकि हम लोग टीचर मेड मैप्स के ही ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें हर टीचर अपनी तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से अपने कीज और सिंबल बना लेता हैगा। अब यही है, मैप हमने आपको दिखाया हैगा, इसमें हमने अलग से की नहीं बनाई है, मगर जो हमने प्राकृतिक प्रदेश दिखा दिए तो उस प्राकृतिक प्रदेशों को प्रमुख तरह से दे दिया। मैं कई और मैप्स भी बनाए हैं जिसमें कि हम लोगों ने की को बनाया हुआ है, जी, की इसमें भी की बनाई हुई है, जी, एक अलग मतलब अलग अलग मैप को हम अलग अलग की और जैसे साउथ अमेरिका का मैप बनाया है इसमें जो चीजें हम लोगों ने दिखाई है उसकी कीज बना दी जी। ये मास्टर कॉपी है, एक बात मैं आपको यहीं पर ही बता दूं, ये मास्टर कॉपी बनाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं मास्टर कॉपी बनाई गई। फिर एक मशीन होती है थर्माफॉर्म मशीन, उस मशीन के ऊपर ये सब चीजें उभर करके आ जाती है जिसमें आपको पता नहीं चलता हमने क्या मटेरियल यूज किया, मगर डिफरेंट शेप्स आ जाते हैं जी। ये जो फिजिकल मैप इंडिया के हम दिखा रहे थे मैम वो थर्मोफॉर्म मशीन का भी है। हाँ, और अगर आप पूछे काहे से बनाया तो दाल चावल मिट्टी पत्थर उन सब से बनाया गया जो घर में अवेलेबल होते हैं उनसे बनाते हैं, मगर वो उभर करके इतने अच्छे आ जाते हैं कि हम एक डिफरेंट टेक्सचर दे देते हैं। तो मतलब फाइनली अगर हम बात करें तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जो टीचर है और जो पेरेंट्स है वो उस डिफरेंट मटेरियल को यूज करते हुए बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखा सके। अभी तक की जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जो हम टेक्टाइल सेंस को यूज करते हुए ज्योग्राफी में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं स्टूडेंट्स में, विजुअली इम्पेयर्ड बेसिकली बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या डिफरेंट मेथड्स विद डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, बाकी के डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। देखो, ओपन ओपन करो, ओपन ओपन करके ओपन ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप,
UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेरी गुड। ग्लास, ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से। वेरी गुड कप, वेरी गुड। कप में क्या करता है गणेश? पी पीता है। चलो ग्लास, वेरी गुड ग्लास, वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है गणेश? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है, तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए थे, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, और इन मैप को सिखाने के लिए हमें क्या क्या मेथड्स की जरूरत पड़ती है, और हम कितने तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के, विच आर इजीली अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। और इसके बारे में हमने देखा कि बेसिक स्किल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है और उनको कैसे हम इजीली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चों में। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में और जानते हैं। जी मैम, हम लोग ब्रेक से पहले एलिमेंट्स ऑफ मैप में थे, तो उसमें हम ऑलरेडी 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके, जैसे कि टाइटल ऑफ द मैप, ऑथर और सोर्स ऑफ द मैप, की और सिंबल्स ऑफ द मैप। अब 2 रह गया है इसमें। पहला पॉइंट है स्किल एंड ग्रीड उसके बाद। तो हाँ मैडम जी, जो स्केल हैगा उसको हम लोग ब्लाइंड बच्चों को बहुत लेट देते हैं, क्योंकि इतना छोटा सा उसमें बना के दिखाया जाता है, उसको परसीव करना कि वो बहुत बड़ा है
वो उनके लिए कठिन होता, तो थोड़ा लेट स्टेज पर देंगे, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो मैप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इतनी चीजें आ जाती हैं कि हर मैप के ऊपर अगर हम स्केल चाहे बनाना तो हम नहीं बना पाते हैं। तो जो जरूरी चीजें उनको हम देते हैं, स्केल के लिए हम उनसे क्या देते हैंगे कि स्केल किस तरह का होता है, क्या है, वो अलग से बता करके उसको मैप के ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं करते हैंगे, क्योंकि उतना समझ में नहीं आता ना, बहुत ज्यादा सारी चीजें मैप पर दिखाना मुश्किल है बच्चे को समझ, तो इसलिए हम स्केल को थोड़ा लेट स्टेज पे ले जा करके बच्चों को दिखाना शुरू करते हैंगे। और वैसे भी हर मैप स्केल पर बना रहता है, उसको हम वर्बली उनको बताते रहते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, कि उस पर लिखा हुआ है, ये हम उनको बता देते हैंगे। और ग्राफ जब स्कूलों में पढ़ने लगते हैं, बच्चे ग्राफ के बारे में जानने लगते हैं मैथ्स के अंदर, तब हम धीरे धीरे उनको स्केल को इंट्रोड्यूस करते हैंगे। अब आइए ग्रिड के ऊपर। ग्रिड जो है वो उसका मतलब है बेसिकली अक्षांश देशांतर दिखाना बच्चों को। और अक्षांश देशांतर दिखाने के लिए हम पहले उनको छोटे छोटे मॉडल्स बना करके, चित्र बना करके वो सब दिखाने की कोशिश करते हैं। और आप दिखाइए कोई अक्षांश, पहले अक्षांश दिखा दो, ये वाला मास्टर। अक्षांश और देशांतर दोनों ही शायद इसमें दिखाया हुआ है, तो ये कहलाता है ग्रिड। इसमें अक्षांश और देशांतर दोनों दिखाए हुए हैंगे। अक्षांश वो रेखाएं हैंगी जो कि पृथ्वी पर गोलाकार रूप में बाएं से दाएं जाती हैं, और देशांतर वो रेखाएं हैं जो ध्रुवों से उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैंगी। और इन रेखाओं के जरिए ही हम किसी भी स्थान को बिल्कुल सटीक जगह पर उसको पहचान सकते हैं, अगर हमको इनके बारे में पता हो अक्षांश और देशांतर के सहयोग से। वैसे अक्षांश जो है वो हमें मौसम और पृथ्वी की गति से संबंधित अधिक होती हैंगी, और देशांतर जो है वो समय बताने के लिए दिखाई जाती है, और ग्रिड लोकेशन दिखाता है। ये देशांतर रेखाएं हैं जो ध्रुव को बीच में कर दिया गया है, और उसके कैसे निकल रही हैं उसके पास से ये दिखाया हुआ है। ये सब भूगोल शास्त्रियों ने ही अपने मानचित्र के अध्ययन के लिए बनाई हैंगी, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा कुछ पृथ्वी पर नहीं है। ये सब बताते हुए हम बच्चों को प्रमुख देशांतर रेखाएं दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो ग्रीनविच रेखा है जिससे कि समय निर्धारण होता है वो प्रमुख तौर से दिखाते हैं। अच्छा, ये जो ग्रीड हम लोगों ने मास्टर कॉपी दिखाए थे, हाँ। ये देखिए थर्मोफॉर्म में कैसे आते हैं, थर्मोफॉर्म में इसी का ही, अगर थर्मोफॉर्म मशीन से हम कॉपी निकालेंगे तो इस टाइप का आएंगे। अब बीच में ये बात उठ पड़ी है, मगर बार बार कहेंगे थर्मोफॉर्म मशीन जो है वो बहुत लाभकारी हो जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि उस पर जो भी चीज हम तैयार करते हैं उसमें हमेशा स्थायित्व होता हैगा, और बच्चे आराम से उसको किताबों में अपने फाइल करते हुए रख सकते हैं और देख सकते हैंगे। जबकि अगर हम उसकी हाथ से बना करके देते हैं तो कई बार बच्चे नाखून से उसको खींचते हैं, तोड़ते हैं, वो उतनी ड्यूरेबिलिटी उसमें नहीं रह जाती है। और कॉपीज भी हम तुरंत बनाकर क्लास में, अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, हम उसकी कॉपीज भी बना करके तो टीचर की बहुत क्लास मैनेजमेंट के लिए भी सुविधा होते हैं और टाइम भी बच जाते हैं। हाँ। और अगर जैसे ग्रुप टीचिंग हो रही है तो ग्रुप में एक साथ बच्चों को देना है, सभी को तो अगर आप मल्टीपल कॉपीज दे देंगे तो फिर सभी मिलके पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन से हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बच्चों को हर चीज को टच से देखना होता है, इसलिए हर बच्चे को इंडिविजुअल कॉपी मिल जाती है, तो अपने आप इंडिपेंडेंटली उसको देख सकता है। कई हाथ मिलकर उसको देखने लगे तो कुछ समझ में नहीं आता है, एक के ऊपर ध्यान दे तो बाकी शुरू करना शुरू कर देते, तो इसलिए ये थर्मोफॉर्म मशीन से बनाई हुई चीजें बहुत ड्यूरेबल हैंगी और बहुत लाभकारी हैंगी। हम तो सोचते हैं स्कूल से जरूर होनी चाहिए। जैसे कि मैम हम बात कर रहे हैं टेक्टाइल सेंस को यूज करते हुए हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं बेसिकली ज्योग्राफी, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि बच्चा इजीली उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके। कुछ डिफिकल्टीज भी बच्चा फेस करता है, कुछ लिमिटेशंस भी होती होगी बच्चे की, तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज है? लिमिटेशंस ऑफ टच हम देखते हैं स्लाइड में क्या है जी। लिमिटेशंस ऑफ टच, स्पेशियल लिमिटेशन,
limitation in concept development. Certain concepts like color cannot be developed through touch. Limitation in getting information. In a part-by-part manner, we can get information, but not as a whole. Not too much of information at a time. So, pehle spatial limitation mein aate hain. स्पेशल जो लिमिटेशन है कि वो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत देने वाली हो जाती है अगर वो सही तरह से ना उठ कर दिखाई जाए बच्चों को. तो सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैंगे कि बच्चे जो है वो एक बार अपना हाथ मैप पे रखें तो वो उसके उसके जरिए ही चीजों को देखते जाए. हमने हाथ उठाया एक कोने में दिखा दिया, हाथ उठाया दूसरा कोना दिखा दिया, उससे स्पेशल रिलेशंस जो है वो गड़बड़ होने लगते हैं. तो इसलिए हम जब बच्चे ने मैप पर हाथ रखा है तो हम कोशिश करते हैं ऊपर से नीचे मैप को देखना और ब्रेल में चीजों को पढ़ना शुरू करा दिया जाता है. स्पेशल लिमिटेशंस को कम करने के लिए जो स्पेशल कॉन्सेप्ट होंगे वो भी बच्चों को दिए जाना चाहिए. दूरी है, पास है, बताओ उसके बारे में कुछ. तो वो चीजों को हमें देना चाहिए बच्चों को कि बहुत दूर दूर का मतलब क्या है, पास का मतलब क्या है, डिस्टेंस का अच्छे का मतलब क्या है, सीधे का मतलब क्या है, ये सब दैनिक जीवन में उसको सब इस्तेमाल करने इन शब्दों को आना चाहिए. तो ये स्पेशल कॉन्सेप्ट पहले से दिए जाने चाहिए जो छोटे मोटे घर में या स्कूल में बच्चों को मिलते हैं. उसके बाद मैप पर हम जब लेकर आए तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे का हाथ मैप पर से हटे नहीं. इसीलिए हम इंडिविजुअल मैप देने की बात करते हैं कि इंडिविजुअली बच्चे को मैप दिया जाए जिससे कि एक एक बच्चा अलग अलग अपने मैप को देखे, उससे स्पेशल कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं बच्चे. ये जैसे कि बताया कि लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है और बच्चा क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करता है, ये जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करें कि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट हमने बच्चे को सिखा दिया, इसका उसके नॉर्मल जो लाइफ है जो उसकी डेली रूटीन चल रही है उसमें उसका क्या यूज है? देखो बच्चे अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज करते हैं उससे ही हम स्पेशल कॉन्सेप्ट बच्चों को देना शुरू करते हैं. ओरिएंटेशन मोबिलिटी देते कराते हैं उसमें हम बच्चों को स्पेशल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर जब क्लासरूम टीचिंग में आते हैं तो मैप्स आदि में भी हम स्पेशल कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग करते हैं. देखिए ये भी एक सीक्वेंस में ही होते हैं, एकदम छोटे से ही शुरू होते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज से और धीरे धीरे इसे हम क्लासरूम में भी इस्तेमाल कर रहे हैं. मतलब एवरीथिंग आप देखो तो आप हमारे जीवन से जुड़े हुए ही हैं, कोई ऐसे नहीं कि अलग से कुछ एकदम से कोई चीज सिखा रहे हैं हम अलग से. नेक्स्ट है लिमिटेशन इन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट. तो ये एक विजुअल इम्पेयरमेंट की कमी है कि कई कॉन्सेप्ट जो है जो हम टच के माध्यम से नहीं दिखा सकते हैं, जैसे शेप पूरा मतलब एकदम पैटर्न पार्टिकुलरली डिफरेंट, जैसे हिमालयस की लेयर्स हैंगी जी, है ना, वृहद हिमालय है, मध्य हिमालय, याद तो हो जाएगा मगर फोल्डेड होकर के हिमालय बना हैगा वो हम बच्चों को देना कॉन्सेप्ट बहुत कठिन हो जाता है. ग्लेशियर का खिसकना, ग्लेशियर जो है वो खिसकता रहता. तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सिर्फ सुन करके बच्चे याद करते हैं और देखते हैंगे. तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में आते हैं जो समझ करके करते हैं. देखने वाले बच्चे भी बहुत बार ग्लेशियर देखने थोड़ा ना जाते हैं, मगर उनको पिक्चर्स हैं, फिल्म्स हैं, इन सब में चीजों को देखने को मिल जाता है का, जबकि हमारे बच्चे इसको सुन करके ही समझने की कोशिश समुंदर करते हैं. अब जैसे मतलब कुछ कॉन्सेप्ट जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ओशंस के बारे में हम बता रहे हैं, समुंदर के बारे में, ग्लेशियर्स के, इसमें जो मेन मोटिव होता है इट्स जस्ट टू इंट्रोड्यूस अबाउट द फैक्ट्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना जो आप पहले बताए थे ना कि बहुत बड़ा कुछ जी वो पूरा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. कलर जहाँ तक बहुत बड़े का सवाल है, एक बड़ी मशहूर कविता हुआ करती थी कि किसी 6 ब्लाइंड लोगों ने हाथी को देखा और उसमें किसी ने कहा तना है, किसी ने कुछ कहा कि बड़े से पंखे हैं, ऐसी सब बहुत सारी बातें कही गई. इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारा ब्लाइंड व्यक्ति हैगा वो चीजों को एज ए होल परसीव नहीं कर पाती, वो हमेशा एज इन पार्ट्स में करेगा और फिर उसके बाद एक अपने मन में उस चीज की तस्वीर बनाता है. तो ये बहुत ध्यान में रखने की बात है कि हम बच्चों को
पार्ट्स में चीजों को देते हैं और फिर उसको एज ए होल बनाने की कोशिश करते हैं, मगर ये डिपेंड करता है कि हम क्या चीज दे रहे हैं उसको। हम ग्लोब दे रहे हैं तो हम एज ए होल ही बच्चे को दे रहे हैं, हम मैप दे रहे हैं तो हम उसको पार्ट्स में दे रहे हैं और फिर एज ए होल दिखाने के लिए उसको कह रहे हैं। मतलब अगर हम देखें कि व्हाइल टीचिंग व्हाट फैक्टर्स शुड वी कीप इन माइंड और द टीचर शुड कीप इन माइंड, कि बच्चे को अगर हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो एक पार्ट्स टू होल की तरफ जो हमें अप्रोच है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। एंड व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट किस तरह का, इस पर आप ध्यान दीजिए और फिर उसमें आप देखिए कि वो पार्ट्स टू होल जा रहा है। कॉन्सेप्ट में आप कलर को भी ले लीजिए, कोई बच्चा है जिसको थोड़ा दिखाई दे रहा है वो कलर का फायदा ले लेगा, जो टोटली ब्लाइंड है उसको कलर में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब इन थोड़ा बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमें इन चीजों को वही मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स बच्चे की और जो बच्चे का करंट लेवल है जैसे उन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। कलर कॉन्सेप्ट में एज ऑफ ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस भी आ जाता है, जो लेट एज में ब्लाइंड हुआ है उनको कलर का कॉन्सेप्ट होते हैं, जो छोटे से कॉन्जेनिटली ब्लाइंड है उनको बिल्कुल ही नहीं होते हैं, वो कॉन्सेप्ट टच के थ्रू कभी भी देना पॉसिबल नहीं है। तो वही दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे आपने बताया कि जन्म से है, कॉन्जेनिटली है या एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड वालों का थोड़ा बेनिफिट ज्यादा होता है क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट को सीख चुके होते हैं, कंडीशन मतलब ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस, कंडीशन ऑफ आईज, कितना विजन ऑलरेडी अडैप्टेशन होती है उनमें, उसी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशन इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन, जो मैडम अभी बता रहे हैं इन अ पार्ट बाय पार्ट मैनर नॉट एज अ होल, ये मैडम ने बोला, और नॉट टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम। बार बार यही बात पे हम बोल रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे चीज, जो हमारा विजन का एक फायदा है कि आप एक चीज देख रहे हैं तो एक साथ सारे चीज आप एक साथ परसीव कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन थ्रू टैक्टाइल सेंस, इट्स अ लिमिटेशन ऑफ टच। ये तो हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर हम बहुत कम चीज देते हैं तो भी बच्चा कंफ्यूज होता है, अगर हम बहुत ज्यादा दे देते हैं तो भी बच्चा कंफ्यूज होता है। बैलेंसिंग होना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको बढ़ाना चाहिए। अब जैसे यही हमारा ये जो ग्रिड बना हुआ है ये एकदम से हम पहली बार बच्चे को दे देंगे उसे कुछ नहीं समझ में आएगा, मगर जब हम उसको अक्षांश अलग दिखा लेंगे, देशांतर अलग दिखा लेंगे, तब हम धीरे धीरे उसको इस ग्रिड को समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने छोटे बच्चों में भी देखा है कि अगर हम फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा रहे हैं, अगर हमने पूरा चार्ट बच्चे को दिखा दिया तो सारे पिक्चर्स देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं देखिए, इस ग्रिड में भी आप देखिए मोटी धागे से, जो रेड कलर के धागे से, वो बेसिक रेखाएं हैं, पहले आप इसमें आइए उसके बाद आप पूरे ग्रिड को वही सिक्वेंशियल प्रोसेस उसने देखा हुआ है ना, हाँ, तब फिर उसको आसान हो जाएगा ट्रांसफर करना, है ना, वही स्टेप वाइज प्रोसेस। अक्षांश देशांतर दिखा के फिर आप ग्रिड दिखाइए, है ना, जैसे कि हम डेली एक्टिविटीज में एक टास्क एनालिसिस करते हैं, मतलब फर्स्ट हमें क्या सिखाना है, फिर हमें क्या सिखाना है, ऐसे हम इसमें भी करें। ऐसी बिल्कुल जी, जैसे कि मैम आपने बताया कि बच्चे में क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं और उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए और साथ के साथ हम ये फैक्टर जरूर ध्यान में रखेंगे कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है और बच्चे का करंट लेवल क्या है इन विजन का, जी विजन का, एक्चुअली विजन का, तो उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी तक हम बात करते आ रहे हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, अगर हम एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, टेक्सटाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो उसके लिए हमें क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए या इंस्ट्रक्शंस जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। गाइडलाइंस हम स्लाइड पे देखते हैं क्या क्या हमारे यहाँ है। गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग टैक्टाइल TLM, पहले है प्रिंसिपल्स, मॉडिफिकेशन, ओमिशन, डुप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट साइज, दैट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर गिव्स द मोस्ट कंफर्टेबल साइज फॉर एक्सप्लोरेशन बाय फिंगर्स। दिस इज अ पायलट स्टडी एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द वॉर्सेस्टर कॉलेज फॉर द ब्लाइंड, दैट इज अ सोर्स फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ले लेते हैं जो इसमें प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, हाँ, उसकी बात आप कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन या रूपांतर, देखिए हमें क्या करना है कि जो भी हम विजुअली देख रहे हैं उसी को हमें टैक्टाइल सेंस में मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए कई समय हमें मटेरियल की उसी तरह से उस हिसाब से हमें जरूरत के हिसाब से बनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कलर कोड,
कलर कोड हम जहाँ मान लीजिए कलर्स का डिफरेंट होते हैं, जैसे माउंटेन के लिए डार्क ब्राउन, फिर ओशन के लिए डार्क ब्लू, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंट टेक्टाइल मटेरियल से उसे क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसी तरह कोई भी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएंगे तो हमें जो मेन चीज देखना है, मेन जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि चीज को जो साइटेड के लिए बनी हुई है, साइटेड बच्चों के लिए, उसको हम किस तरह से ब्लाइंड बच्चों को दिखाएं। तो जो अगर हम किसी भी चीज को टेक्चुअल बनाते हैंगे तो वो मॉडिफिकेशन हो जाता है। उसको मॉडिफाई करते समय हम ये भी देखते हैं कि हम कितना दिखाएंगे, कितनी चीजों को उसमें डाल सकते हैं, कितने तरह के टेक्सचर्स का इस्तेमाल करेंगे, मॉडिफिकेशन क्या मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, एक उसका एक्सटेंट डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, ये सब हम मॉडिफिकेशन के अंतर्गत ले आते हैं। नेक्स्ट है ओमिशन। हर एक चीज हम पहले ही बोल दिए कि नहीं दिखा पाएंगे, बहुत ज्यादा जो विजुअल चीज है या पॉसिबल नहीं होते हैं कई समय, तो उसको हम ओमिट करते हैं। बट ओमिट करने के साथ साथ ही क्या आ जाते हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूशन भी आ जाते हैं जी, है ना। आप कोई चीज नहीं, ओमिशन में एक बात और है, कभी जब हम मैप्स बनाते हैं ना, तो हम सारा मैप जैसे साइटेड बच्चे के लिए बना हुआ वैसे ही हम ब्लाइंड बच्चे के लिए बना के नहीं रखते, उसमें हमें बहुत सारी चीजें ओमिट कर देनी पड़ती, जैसे कि अक्षांश देशांतर हम ओमिट कर देते हैं अगर हम शहरों को दिखा रहे हैं, और जो मैप हैगा उसमें कितने शहर दिखाने हैं, कितनी दूरी से बच्चा छू करके देख लेगा। साइटेड बुक्स में तो ढेरों बहुत सारे दिए रहते हैं, मगर इन बच्चों के लिए तो हम गिने चुने ही जो अच्छे से छू करके देख सके, पहचान सके, उन्हीं चीजों को दिखाएंगे। तो हमें मैप्स में बहुत सारी चीजों को ओमिट कर देना पड़ता है जी। और उसके लिए कई बार हमें कई मैप्स बनाने पड़ जाते हैं। अगर हमें हिंदुस्तान के शहर ही दिखाने हैं तो हमें कैपिटल्स दिखा, या ये देख लीजिए अगर हमें हिंदुस्तान के सब राज्य दिखाने हैं, बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है उन सब राज्यों को पहचान लेना, खास करके ईस्टर्न रीजन के राज्य, वो सब साथ तो हमें ओमिट कर देना पड़ता है कि भाई हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम हिस्सों में दिखाएंगे चीजों को, और एक बड़ा स्केल पर मैप बना करके ये सारे राज्यों को दिखाएंगे बच्चों। तो वो जो भी ओमिशन हमारे लिए एक जरूरी प्रिंसिपल हो जाता है, जिसको कि हम मैप में कई बार इस्तेमाल करते हैं, जिसके आधार पर हम चेंज करते रहते हैं मैप्स में। और ओमिशन के साथ साथ ही सब्स्टिट्यूशन या जो के बात आ जाते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि एक बड़े मैप को हमें फिर कई हिस्सों में बांट के उसको हमें दिखाना पड़ता है, और उसी को ही मल्टीपल कॉपीज या उसके अलग 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 अलग। क्यों ऐसे है? क्योंकि जो चीज हम एक साथ नहीं दिखा रहे हैं, हम ओमिट किए हैं, उसको जितना हद तक पॉसिबल है हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और है डुप्लीकेशन। तो ये भी है कि कोई भी चीज जिसको हम ले रहे हैं, जिसको हमें दिखाना है, उसको फिर हमें उसके क्या कहूँ बदले में और कोई चीज को हम दे रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन डुप्लीकेशन ये दो साथ साथ ही चल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उसकी जगह पर कुछ देते हैं। अगर हमने एक मैप साइटेड बच्चे के लिए, ब्लाइंड बच्चे के लिए मैप दिया, तो ये उसके लिए सब्स्टिट्यूट है जो हम दे रहे हैं। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि मैप की जगह हम मॉडल दे देते हैं बच्चों को, चार्ट की जगह हम मॉडल दे देते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं। और डुप्लीकेशन है जब हम सेम ही चीज को उसी चीज को कई कॉपीज में बनाते हैं, जैसे थर्मोकोल मशीन से या किसी और स्फेरल मशीन से हम बना करके चीजों को डुप्लीकेट करते हैं। और एक चीज देखिए, जैसे इवेल्युएशन में साइटेड बच्चों के लिए हम मैप पॉइंटिंग देते हैं, पर ब्लाइंड बच्चों के लिए वहाँ हम डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू दैट, ये भी एक तरह से सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है साइज। साइज ये जो है, ये बताते हैं कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर गिव्स द मोस्ट कंफर्टेबल साइज फॉर एक्सप्लोरेशन बाय फिंगर्स। बहुत बड़ा या बहुत छोटा, दोनों ही नहीं होना चाहिए, एक ऐसे कंफर्टेबल साइज होना चाहिए। एक तो हम लोग बोलते ही है कि थर्मोफॉर्म मशीन अगर है तो थर्मोफॉर्म शीट के अकॉर्डिंग आप बनाइए, ताकि आप मल्टीपल कॉपीज निकल सकते हैं, है ना। और हम लोग कह देते हैं दो हाथ के बराबर आप चीज को दे दीजिए, और उतने बड़े में बच्चे हमारे बहुत आराम से देखते हैं, चीजों को पहचानते हैंगे, मगर हाँ उसमें बहुत सारी चीजें मत डालिए,
इतनी ही डालिए जो वो छू करके देख सके. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग टैक्टाइल टीएलएम. नॉट टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम. मल्टीपल कॉपीज. वी कैन यूज थर्मोफॉर्म मशीन और स्पाइरल मशीन. यूज इजीली अवेलेबल लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल्स. यूज डिफरेंट टैक्टाइल मटेरियल्स फॉर डिफरेंट कलर कोड्स. इसमें कई हद तक हम कई चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना मैडम. कई चीजें करी है. अगर हम लोग फिर से इसको ले सकते हैं तो जो जो इन्फॉर्मेशन का बात हो रहा था, टाइम जो है कितनी जानकारी देनी है उस मैप में वो देखने की बात है. हमने एक नदियों का मैप बनाया है का, वो नदी के मैप में अगर हम बहुत सारी भारत की नदियां दिखाते हैं तो संभव कुछ नहीं हो सकता. हमें गिनी चुनी नदियां भारत की, अगर हम गंगा नदी या जमुना नदी ले रहे हैं उसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज होंगी, जो गिनी चुनी ही ले सकते हैं. पंजाब की 5 नदियां दिखाने में भी कई बार अगर हम हाथ के बराबर मैप अपना लेते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए देखना. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक मैप में हम नहीं डाल सकते कि हम शहर भी डाल दें, हार्बर्स भी डाल दें, कैपिटल्स भी डाल दें, ऐसा नहीं है. थोड़ा थोड़ा कम करते हुए हमें चीजों को दिखाना पड़ता है. इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं सारी डाल सकते हैं. मल्टीपल कॉपीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके फायदे क्या है ये भी बता चुके हैं. जैसे कि उसमें आपने बताया कि अगर ग्रुप टीचिंग है या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें बच्चों को एक साथ सिखाना है तो टीचर जो है मल्टीपल कॉपीज थर्मोफॉर्म मशीन और हर बच्चे आराम से उसको छू करके देख सकते हैं अलग अलग, इसलिए हमें हर बच्चे को देने के लिए कॉपीज बनानी. स्पाइरल मशीन, थर्मोफॉर्म मशीन, क्योंकि इसमें प्रॉपर टैक्टाइल इंप्रेशंस तो होता ही है बच्चों के लिए. और ये 2 मशीनें आजकल हमारे इंडिया में काफी इस्तेमाल हो रही होंगी जिससे कि हम उसको बना सकते हैं मल्टीपल कॉपीज. और इजीली अवेलेबल लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल भी हम लोग इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं. जो भी घर में है छोटे छोटे चीज जो हम ऑलरेडी कई समय फेक भी देते हैं, जैसे कि आपने दिखाया था अपने एक मॉडल में आइसक्रीम स्टिक को हम यूज करते हैं, थ्रेड को यूज किया. और डिफरेंट टेक्सचर्स देने के लिए हमें डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल कर देना पड़ता है. दाल राजमा सब कुछ है. और आप ये समझिए अगर हम उसको वैसे ही दे देते हैं बच्चे को तो उंगलियों से उसको छू करके खराब करेगा. मगर अगर हम उसकी थर्मोफॉर्म कॉपी या स्पाइरल कॉपी बना देते हैं तो बच्चे उसको खराब नहीं कर सकते या लंबे समय तक. और वो टैक्टाइल फ्रेंडली भी है. अच्छा है. नेक्स्ट है कि डिफरेंट टैक्टाइल मटेरियल्स फॉर डिफरेंट कलर. जैसे आप इसमें माउंटेन्स को दिखा रहे हैं, हायर रेंजेस जब होते हैं डार्क ब्राउन, फिर लाइट ब्राउन, फिर धीरे धीरे जब आप प्लेटो में आते हैं और लाइट हो जाते हैं, फिर मैदानी भाग के लिए आप ग्रीन में आ जाते हैं. यहाँ सिमिलर वेज में हम अलग अलग टेक्सचर्स देते हैं. बट ये भी अगेन डिपेंड करते हैं कि आप कितना स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है ये अभी तक कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड टैक्टाइल इसमें नहीं है. और यहाँ तक कि अगर हमें जैसे नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखानी है बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को उसको डिस्क्रिमिनेट करना. हम दोनों ही चीजों को इकट्ठा मोटा और पतला करके दिखा देते हैं तो एक तरीके से हम उसको सब्स्टिट्यूट उसको देते रहते हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि ये स्टैंडर्डाइज्ड अभी कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए. कोई नदी मोटी से धागे से दिखा देगा, कोई 2 लाइनें दिखा देगा, वो मतलब टीचर मेड मटेरियल. हाँ, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में मैप पर बहुत कम काम हुआ है. जैसे कि ये थी कुछ गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करनी चाहिए और कुछ बातों का ध्यान में रखते हुए व्हाइल मेकिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल एज अ टेक्टाइल इम्प्रेशंस फॉर द चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ये हमने डिस्कस किया. बाकी के डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी deaf blindness क्या है. बधिरांधता एक स्थिति है
जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेलफोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना कि डिफरेंट गाइडलाइंस हमें क्या क्या फॉलो करनी चाहिए फॉर मेकिंग टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल और किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। साथ के साथ बात गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बच्चे के करंट लेवल का और बच्चे के स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और इनके बारे में और जानकारी देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। मैम, जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले हमने गाइडलाइंस डिस्कस करी थी,
तो हम आते हैं स्लाइड पे जी, गाइडलाइंस फॉर ब्रेल लेबलिंग। हाँ, टैक्टाइल TLM, इसमें डायरेक्शन ब्रेल लेबलिंग, कंटेंट शीट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टैक्टाइल कीज, वी कैन ऑल्सो मेंशन स्केल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इन ब्रेल एट द बॉटम ऑफ द मैप। तो डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेल लेबलिंग पे आते हैं। तो हर एक कोई भी मैप है तो उसमें ब्रेल में लेबलिंग होना बहुत जरूरी होता है। लेबल्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े करके ब्रेल लेबल्स नहीं बनाए जाने चाहिए, और उसमें जो ब्रेल स्पेलिंग्स है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसकी स्पेलिंग्स को गलत नहीं करना चाहिए। जो बेसिक चीज है, जैसे मान लीजिए हमको दिखाना है दिल्ली, दिल्ली मैप पर देखा जाए तो एक पेंसिल पॉइंट के बराबर ही दिखाई जाती है, मगर ब्रेल में लिखकर दिल्ली इतना बड़ा सा हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जरूर बताना चाहिए कि वो पॉइंट कहाँ है और कितना बड़ा उस पर लिख करके दिखाया गया। किसी ने कहा प्रशांत महासागर, अब इतना बड़ा लिखने के लिए उसमें जगह ही नहीं होती है कई बार मैप में, तो हम लोग उसको लेबल करते समय छोटा करके भी लिख सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं इसका मतलब क्या है। और बार बार देखने पर बच्चों को अपने आप ही नाम याद होने लगता है कि प्रशांत महासागर है या अटलांटिक ओशन है या कौन सा महाद्वीप है आदि। तो ब्रेल लेबल के समय तीन बातों को ध्यान में रखिए। पहली चीज यह है कि ब्रेल जरूर लिखी जाए मैप के ऊपर, ब्रेल हमेशा सीधी होनी चाहिए, और कई बार उसके छोटा करके भी ब्रेल को लिख करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कंटेंट शीट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टैक्टाइल कीज, या जिसे हम सूची कहते हैं। तो उसमें जो मैप में कई चीज हम लोग ब्रेल में लेबल करते हैं, कई समय लिखने की जगह नहीं होते हैं जो मैडम ने बताए, या डिफरेंट टैक्टाइल मटेरियल हम यूज किए हैं, तो इसमें हम लोग अलग से एक कंटेंट शीट या सूची बनाते हैं जिसमें हम देते हैं कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें नदियां दिखानी है, भारत की नदियां दिखानी है बच्चों को, तो वो नदियां बहुत सारी हैं। अब नदियां नाम लिखने लगेंगे तो उसमें आएगा नहीं, तो हम नंबरिंग डाल करके एक सूची अलग से बना देते हैं उनके नामों की, दिखा सकते हैं। तो वो उससे बच्चा पढ़ करके उसकी पोजीशन को समझ सकता है कि नदी किस डायरेक्शन में बह रही हैगी और कहाँ पर जाकर के गिर रही है या किसी नदी में मिल रही हैगी, ये सब बच्चा उसको देख करके पहचान सकता है। ये देखिए इसी, तो ये नदियों का एक मानचित्र बनाया हैगा, उसके साथ ही साथ में उसको लेबल भी कर दिया है। इस पे छोटे से मैं लेबल करके लिखा है और दूसरी शीट के ऊपर ब्रेल में लिखा है। ये देखिए, ये है मानचित्र, मेन मानचित्र जो है भारत का नदियां दिखाई है, और ये देखिए ये सूची बनाई है, सूची है। तो बच्चा उसको पढ़ते हुए नदियों के नाम को जान सकता है, नदियों के डायरेक्शन को जान सकता है, नदियों की लोकेशन को जान सकता है। इसलिए ब्रेलीकरण जो है उसका टैक्टाइल की का होना ब्रेल में बहुत जरूरी होता है। हम जैसे कि ये जो टैक्टाइल की के बारे में आपने बताया, और पहले एक आपने बताया था जैसे सिंबल्स एंड कीज जो हम यूज करेंगे, तो ये वही है कि जैसे एक आपने मैप में भी दिखाया था कि मैप एक आपने डिस्प्ले कर दिया डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स से, और साथ में आपने एक कॉलम बनाया था कि जैसे लाइक रेड राजमा इज शोइंग दिस एंड येलो दाल इज शोइंग दिस, तो इसका मतलब यही है कि हम इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स यूज करेंगे। अभी आपने येलो और रेड का नाम लिया, हम येलो और रेड का नाम नहीं लेंगे, हम बड़ा शेप और छोटा शेप कर लेंगे ब्लाइंड बच्चों के साथ में, क्योंकि उस शेप से पहचान पा रहे हैं ये चीजों को। राजमा और दाल का भी हम बोल सकते हैं, हम राजमा दाल बोल रहे हैं मगर वो एक्चुअली साइज है शेप है, जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो टच से चीज को पहचानने के लिए बच्चों का। अब आते हैं प्री रिक्विजिट स्किल्स फॉर मैप रीडिंग, क्या क्या चाहिए बच्चों में मैप रीड करने से पहले, क्या क्या स्किल होना चाहिए। प्रायर टू द मैप रीडिंग द चाइल्ड शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशन प्लेस डिस्टेंस एंड डिरेक्शन इन हिज डे टू डे लाइफ, द नॉलेज ऑफ रिलेटेड वर्ड्स एंड टर्म्स यूज फॉर द अबव मेंशन्ड कॉन्सेप्ट्स, मोटर कोऑर्डिनेशन, सेंसरी ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, डेली लिविंग स्किल्स,
एबिलिटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। तो पहले ही हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि मैप रीडिंग से पहले बच्चों में क्या क्या स्किल्स ऑलरेडी होना चाहिए, है ना। जैसे आप देखते हैं कि हम साइटेड बच्चों के लिए भी मैप रीडिंग एकदम शुरू में ही नहीं होती है, एक स्तर पे जाके एक लेवल पे जाके शुरू होती है। स्टडीज कहती हैं कि अपर प्राइमरी में बच्चों को मैप से सिखाते हैं, ठीक उसी तरह ब्लाइंड बच्चों को भी एक लेवल होना चाहिए मैप रीडिंग से पहले।